हमारे साथ हैं जेके एनसी के जोनल सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट संदेश शान जी, और उनके साथ हैं एनसी के वाइस प्रेसिडेंट अमरीश शर्मा जी। बनी में जो वारदात हुई है उसके चलते हमसे बात करेंगे। संदेश शान जी, क्या बताना चाहेंगे? बनी में जो है एक महिला पे जो हाथ उठाया गया, दुर्व्यवहार किया गया पब्लिकली, और उसके बाद जो है वो कंसिस्टेंटली रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमने नहीं किया जी ऐसा, क्योंकि वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि ऑल पार्टी प्रोटेस्ट था, उसमें सबसे पहले भाजपा का क्या काम था कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर वहाँ पे गए ऑल पार्टी प्रोटेस्ट में, जबकि उनको बुलाया भी नहीं गया जो अभी हमने सुना, और बगैर बुलाने के गुंडागर्दी। ये तो बीजेपी के गुंडे हैं, और जो इन्होंने जो कांग्रेस की हमारी जो बहन है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी है, उसके साथ जो बदसलूकी की है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडे पाले हुए हैं, जो उन्होंने वहाँ पे उसके साथ बदसलूकी बदतमीजी की है, उसके खिलाफ़ तो एक्शन होना ही चाहिए। और हम नेशनल मैं अपनी तरफ से अपने पूरे जोन के हमारे अमरीश शर्मा जी हैं, सेंट्रल जोनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब रोमी खजूरिया जी, उन्होंने भी कल रात को हमें कॉल करके बताया कि मेरी तरफ से भी पूरी सपोर्ट है काजल को। तो जो हुआ गलत हुआ, गलत किया, और ये जो बीजेपी ने जो ये गुंडे पाले हुए हैं, ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको जल्दी से जल्दी पुलिस ने अरेस्ट कर लेना चाहिए। पुलिस वहाँ साथ में थी, वहाँ पुलिस के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उसके साथ बदतमीजी की गई, कैमरा भी, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो वायरल हो गई है। दो दिन से तो यही न्यूज़ चल रही है ना बनी में, कि देखिए किस तरीके से बीजेपी के सीनियर लीडर ने उसके साथ बदतमीजी की। इसमें हम बिल्कुल काजल जी के साथ हैं, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। जो ये बीजेपी के जो ये गुंडे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन ले, और सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि वो वहाँ ऑल पार्टी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आज तक हम समझे नहीं कि वो लोगों में क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर उन्होंने लोगों के लिए लड़ना था, प्रोटेस्ट करना था बीजेपी के लीडरों ने, करते जैसे बाकी लीडरों ने किया, क्यों नहीं किया उन्होंने? बाकी लीडरों की तरह करते, एसटी स्टेटस दिलाते बनी को, पूरी पहाड़ी जिला पहाड़ी है, तो हमसे बड़ा पहाड़ी जिला नाम हमारा पहाड़ी जिला, और पहाड़ियों को स्टेटस मिल रहा है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं मिल रहा बनी वालों को। और इससे ये क्लियर है कि बीजेपी के जो कैडर है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का, बनी बसोली हो बिलावर हो, इनमें भुखलाहट आ चुकी है। इनको पता है हमें मिलना कुछ नहीं है, इसलिए अभी ऑल पार्टी प्रोटेस्टों में भी घुसने जा रहे हैं, अब हमारे साथ भी आना स्टार्ट हो गए ये लोग, तो ये हालत इनकी अब हो चुकी है। हमारे साथ हैं अमरीश शर्मा जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरह जो है वो दुर्व्यवहार किया गया, और बेटी पे, महिला पे हाथ उठाना कौन सी बहादुरी है, और क्या गुंडागर्दी चल रही है जम्मू कश्मीर में, क्या क्राइसिस है सर? देखिए रिंकू जी, जो जो कल वारदात बनी में हमने देखी वीडियो में, इसके क्लिप्स आए हैं, ये बड़ी निंदनीय बात है, क्योंकि एक तरफ इनका एजेंडा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी हमारे पीएम साहब ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ इनके ही एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, वो क्या करते हैं, वो दुर्व्यवहार करते हैं महिला के साथ, और ये निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। जैसे हमारे जोनल सेक्रेटरी साहब ने बात की है कि ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि कुछ ये हाई हाइडेड हो चुके हैं, ये पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं, ये आपने पिछले दिनों दिखा होगा, इनके डीडीसी बीडीसी जो है वो भी अपने आप को क्या समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर समझते हैं, या क्या बात है? बाकी सरकारें भी रही, उनके कारकुन रहे, लेकिन ऐसी हमने गुंडागर्दी और इतनी हमने मसल पावर जो सामने और मीडिया के सामने, और जबकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और ऑल पार्टीज कहते हैं प्रोटेस्ट है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं तो वहाँ इनकी सरकार तो इनकी है, ये किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लोगों को हक तो इन्होंने देना है ना, सरकार में ये है, लेकिन ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों की तरफ खींचने के लिए, अपने तरफ कि हम आपके साथ हैं, उनका विश्वास अपने साथ लेने के लिए ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुरा कौन रहा है ये? अगर ये सरकार में है तो क्यों बिला रहे हैं ज़्यादा लोगों की, क्यों लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है? ठीक है, ये बात निंदनीय बात है। और जैसे पिछले दिनों देखो हमारे वहाँ भी बसोली में भी डीडीसी चेयरमैन है, वो भी ये कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गालियाँ निकालते हैं पावर में बैठ के, ये बड़ी निंदनीय बात है, क्योंकि इस पोस्ट पर जगह के बैठ के ये इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये हर जगह जो है उसको दबाने की, डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश करें, फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, जो अपोजिशन लोग बोलते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं, जनता समझती है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, अगर जिसने ये किया है उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी हमारी पूरी जो है सपोर्ट है हमारी, हम इसकी निंदा करते हैं, और हम काजल की जो हमारी ये महिला है वहाँ की, हम उनके साथ खड़े हैं, मैं तंजीम उनके साथ खड़ी है, जैसे उन्होंने कहा, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने भी कल फ़ोन पर हमसे बात की रोमी जी ने, कि मेरी तरफ से भी आपने एक कंडेम्ड करना है इसको, हम इसकी पूर
जोर लफ्जों से हम निंदा करते हैं। ये थे हमारे साथ JKNC के लीडर्स और काडर के लीडर्स, और इनका यही मुतालबा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो इसमें कड़ा संज्ञान ले और उस अक्यूज्ड के खिलाफ जो है वह कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए ऐसी वारदातें ना हो, औरतों के महिलाओं के ऊपर हाथ ना उठाएं, और ये ऐसी लीडर हमें नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में। और JKNC ने स्ट्रांगली स्टैंड लिया हुआ है और इनका अपर हैंड भी है JK में, चाहे वो किसी भी इलेक्शन की हम अगर बात करें, MP की करें, विधानसभा की करें, लोकसभा की करें, अब PRI's की भी इलेक्शन आने वाली है, उसके लिए भी आप किस तरह आपका स्टैंड है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त तैयार है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो, चाहे वो BDC के इलेक्शन हो, चाहे वो DDC के इलेक्शन हो, हम बिल्कुल तैयार हैं, ये करवाएं, असेंबली इलेक्शन भी करवा दें, क्यों नहीं करवा रहे हैं, करवाएं ना, हम उसके लिए भी तैयार हैं।